बिल्कुल सही लग रहा हूँ मैं। हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला काम होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों के पास शेयर करना, उनके सब्सक्राइब करवाना, ये आपका ही फर्ज बनता है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपका इंट्रैक्शन, आपकी इंटेंशन सब कुछ बहुत ही कम लो लेवल पे जा रहा है। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। वो आप देखते तो हो ही नहीं आपके, तो मुझे तो क्या है, मुझे तो अपना फ़र्ज पूरा करना है। मैं अपने निस्वार्थ भाव से लगा हूँ, मुझे वो कैब कंप्लीट करवानी है, बस मेरा काम इतना है। उसके बाद आपका काम बनता है, पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो ठीक है। भाई मुझे तो याद होनी होनी है पढ़ाते टाइम, मुझे तो पहले भी कुछ ना कुछ याद है, बाकी मेरी रिवाइज होती रहेगी, मुझे इस चीज़ से कोई इश्यू नहीं है। फ़र्क पड़ता है आपको, फ़र्क पड़ता है आपको। सो प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके वो कैब को रिपीट करो। मैं ये नहीं कहता मेरे चैनल से ही करो, सभी से करो। एक बार मेरे पास पढ़ रही, हाँ ठीक है समझ आ गई। दूसरी बात कही हूँ, जितनी ज़्यादा रिपीटेशन पे चीज़ों को डालोगे ना, उतनी ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ें याद होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिपीट किया करो, याद करने की कोशिश किया करो। भाई तुम लोग समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूँ? हर चीज़ समझ रहे हो ना? दैट्स गुड। हाँ जी, आज है वोकैब क्लास नंबर 28 हमारी। आज है मेरे बच्चे वोकैब क्लास नंबर 28, जिसमें भी हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करने वाले हैं और हरेक वर्ड को बड़े अच्छे तरीके से समझ के बड़े सलीके से हम वोकैब को करने वाले हैं। हाँ जी, तो बड़े ही सलीके से हम ये क्लास को करने वाले हैं। सो प्लीज़ सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे दोस्तों के पास पहुँचाइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना शुरू कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना शुरू कीजिए। हाँ जी, तो आज का हमारा पहला वर्ड है कॉमेटोस। कॉमेटोस क्या है? कॉमेटोस वर्ड है हमारा, कॉमेटोस पहला वर्ड क्या है? कॉमेटोस, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, जिसकी अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ तो एडजेक्टिव होती है मेरे भाई, और मीनिंग होता है रिलेटिंग टू और इन ए स्टेज ऑफ कोमा। या तो कोई इंसान कोमा में चला जाए, या तो कोई इंसान कोमा में चले जाए, या फिर उस जैसी कंडीशन में आ जाए, कोमा में जाने जैसी कंडीशन में आ जाए, उसके जैसी कंडीशन आ जाए, या फिर वेरी टायर्ड, इतना ज़्यादा थका हुआ कि हिलडुल भी ना सके, बोल भी ना सके, स्लीपी एंड लेजी, या फिर किसी आलसी पर्सन के लिए तुम ये वर्ड यूज़ कर लेते हो। एक ऐसा पर्सन जो 24 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पड़ा रहता हो, कुछ काम ना करता हो, बहुत ज़्यादा लेजी हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉमेटोस। समझ गए क्या बताया? या तो कोई ऐसा पर्सन जो कोमा में चला जाए, कंप्लीटली कोमा में चला जाए, भी माइंड काम ना करे, कुछ भी हाथ पैर काम ना करे, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं। दूसरा स्लीपी एंड लेजी, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, जिसको कहे ना भाई रिमोट पकड़े तो मेरा तो हाथ नहीं जा रहा, इस तरह के पर्सन के लिए यूज़ कर लेते हो। तीसरा वेरी टायर्ड, जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो हिलडुल ना सके, उसकी काम करने की हिम्मत ना रहे, उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत ना रहे, उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं कॉमेटोस। कॉमेटोस अगर बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला जाता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे ताकि आपको याद हो। सो प्लीज़ साथ साथ बोलना शुरू कीजिए, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा रिपीट होगी, उतनी ज़्यादा याद होगी। क्या है? अनकॉन्सियस, 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 अनकॉन्सियस। लथार्जिक, 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 लथार्जिक। इनसेंसिबल, 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 इनसेंसिबल। सेंसलेस, 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 सेंसलेस। फेलो, 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 फेलो।
इनर्ट 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 इनर्ट। नेक्स्ट डोरमेंट 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 डोरमेंट। टॉर्पिड 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 टॉर्पिड। स्लगिश 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 स्लगिश। एक बार वर्ड को रिपीट करेंगे हम। वर्ड हमारा कॉमेटोस। क्या है? कॉमेटोस 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 कॉमेटोस। अनकॉन्सियस 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 अनकॉन्सियस। लथार्जिक 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 लथार्जिक। इनसेंसिबल 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 इनसेंसिबल। सेंसलेस 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 सेंसलेस। टॉर्पिड 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 टॉर्पिड। फेलो 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 फेलो। इनर्ट 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 इनर्ट। डोरमेंट 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 डोरमेंट। स्लगिश 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 स्लगिश। अब जितने भी आलसी लोग हैं तुम इनके लिए 10 वर्ड यूज कर सकते हो भाई, समझ गए ना। जितने भी तुम्हारे आसपास आलसी लोग हैं, पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, या तुम्हारे दोस्त हैं, उनके लिए तुम ये 10 वर्ड यूज कर सकते हो, समझ गए। नेक्स्ट बात करूँ इसके एंटोनिम्स की। अलाइव 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 अलाइव। एस्टिर 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 एस्टिर। टेमिंग 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 टेमिंग। थ्रोंगिंग 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 थ्रोंगिंग। थ्राइविंग 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 थ्राइविंग। नेक्स्ट है अबाउंडिंग 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 अबाउंडिंग। फ्लोरिशिंग 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 फ्लोरिशिंग। रिपीट करो एक एक वर्ड को 5-5 बार इतने एक मिनट में। हाँ जी कर लिया रिपीट, एक बार बोल दो। अलाइव अलाइव अलाइव। एस्टिर 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 एस्टिर। टीमिंग 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 टीमिंग। थ्रोंगिंग थ्रोंगिंग थ्रोंगिंग। थ्राइविंग 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 thriving। abounding 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 abounding। flourishing 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 flourishing।
एग्जाम्पल शी हैड बीन कॉमेटिस फॉर 5 years भी वो 5 साल से कोमा में थी भाई, वो 5 साल से कोमा में थी भाई। ठीक है, तो वर्ड को एक बार रिपीट कर देंगे। वर्ड है हमारा कोमेटोस। क्या हो गया? कोमेटोस मीनिंग रिलेटिंग टू और इन स्टेज ऑफ कोमा, वेरी टायर्ड, स्लीपी एंड लेजी। सिनोनिम्स अनकॉन्सियस, 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 लथार्जिक, 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 इनसेंसिबल, 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 सेंसलेस, 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 फेलो, 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 इनर्ट, 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 डोरमेंट, 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 टॉर्पिड, 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 स्लगिश, 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 स्लगिश। एंटोनिम्स अलाइव, 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 एस्टिर, 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 टेमिंग, 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 थ्रोंगिंग, 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 थ्राइविंग, 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 अबाउंडिंग, 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 फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, वर्ड नंबर 18 है ग्रेट। क्या है ग्रेट? जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एज ए वर्ब, एज ए वर्ब यूज करते हैं ना, एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो वर्ड क्या है? ग्रेट। अब मैं इसके एक एक करके 4-5 मीनिंग बताने जा रहा हूँ। अब मैं इसके एक एक करके 4-5 मीनिंग बताने वाला हूँ, तो हर मीनिंग को बड़े अच्छे से, तरीके से, सलीके से समझने की कोशिश करना। कहीं ये मत सोचना कि ये चीज़ सर हमें समझ नहीं आई, तो प्लीज़ अच्छे तरीके से समझना। तो पहला मीनिंग इसका होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट रेस्पिंग साउंड। भाई कोई ऐसी साउंड पैदा करना, ऐसी आवाज़ पैदा करना हो जो अनप्लीजेंट हो, कोई कर्कश टाइप की ध्वनि पैदा करना, कोई कर्कश टाइप की ध्वनि पैदा करना। दूसरा मीनिंग टू रब फूड, यानी किसी चीज़ का, खाने वाली चीज़ का कद्दूकस करना। कद्दूकस करना आप समझते हो? टू रब फूड, कद्दूकस करना, जैसे आप किसी भी चीज़ का कद्दूकस करते हो, आपको पता है ये चीज़ घर में आप करते हो। तीसरा टू कट इनटू स्मॉल पीसेज, मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। चौथा टू कोज इरिटेशन, मतलब आपको इरिटेशन का कारण बनना, एनोइंग का कारण बनना, इरिटेशन एनोइंग आप समझते हो, उस चीज़ का कारण बनना, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। और पांचवा मीनिंग द मेटल फ्रेम दैट होल्ड्स द वुड कोल एटसेट्रा इन ए फायर प्लेस, मतलब आग की अंगीठी की जो जाली होती है, आग की जो अंगीठी की जो जाली होती है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। तो वर्ड तो मैंने आपको एक बताया और मीनिंग हो गई इसके 5, कितनी हो गई? 5 मीनिंग, तो 18 वर्ड नंबर 18 तो ये हो गया। अच्छा 19 20 21 22, 22 वर्ड यहाँ तक कर दिए हमने, 22 वर्ड्स हमने यहाँ तक कर दिए। अब तुम खुद सोचो, जब तुम एक वोकैब को, एक एक वर्ड को इतने अच्छे तरीके से समझोगे तो तुम्हें वोकैब याद क्यों नहीं होगी यार? करोगे तो सब कुछ याद होगा, अदरवाइज भाई कुछ याद नहीं होगा। समझ गए इस मीनिंग को? पहला मैंने बता दिया एक अनप्लीजेंट रेस्पिंग साउंड प्रोड्यूस करना, पैदा करना। दूसरा फूड का, भोजन का कद्दूकस करना, इतना ज़्यादा उसको काट देना, या जैसे भी करते हैं आप घर में चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इरिटेशन का, एनोइंग का कारण बनना। तो एक मेटल फ्रेम दैट होल्ड्स द वुड कोल एटसेट्रा इन योर फायर प्लेस, मतलब आग की अंगीठी की जाली। यार मैं तुम्हें ये जब इसकी रील बना के डालूंगा ना, मैं इसको डाल दूंगा कट करके, उसमें आप समझ लेना, मैं उसकी फोटो लगा दूंगा, या फिर आप जब ये ग्रेट वर्ड लिखोगे गूगल पे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। जब इमेजेस में आप जाओगे, जब आप इमेजेस में जाओगे तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी। अब तो समझ गए कहना क्या चाहता हूँ मैं। तो बात, हाँ, और ये जो मीनिंग है
सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग इसका एज ए नाउन यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग इसका एज ए नाउन यूज किया जाता है। अब तो समझ गए। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स सबसे पहला गाइंड, ग्राइंड, 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 क्रश, क्रश, तुम्हारे वाली क्रश नहीं, क्रश, 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 पल्वराइज, 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 स्क्रैप, 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 रब, 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 प्रोवोक, 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 स्क्रैच, 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 हे भगवान, एनॉय, 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 आग, 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 इरक नहीं, आग, 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 इरिटेट, 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 मैं पानी पी लूं, तुम इतने बोलो इसको। नेक्स्ट को स्पिट, स्पिट नहीं है भाई, स्पाइट है, ये स्पाइट है, स्पाइट, 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 वैक्स, 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 पीक, 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 एग्रेवेट, 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 वर्ड्स को रिपीट करेंगे, ग्रेट, 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 एक छोटा सा वर्ड है ना, बहुत कुछ छुपाए बैठा अपने अंदर, है ना, ऐसा होता है बहुत बार। सिनोनिम्स ग्राइंड, 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 क्रश, 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 पल्वराइज, 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 स्क्रैप, 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 रब, 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 प्रोवोक, 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 स्क्रैच, 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 एग्रेवेट, 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 पिक, 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 वैक्स, 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 स्पाइट, 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 इरिटेट, 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 इरिटेट,
इरिटेट 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 आक 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 एनॉय 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 हे भगवान। तो इसके एंटोनिम्स की बात करूं, पैसिफाई 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 ग्लाइड 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 स्लाइड 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 कंसीलिएट 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 मॉलिफाई 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 अपीज 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 पैसिफाई 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 ग्लाइड 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 स्लाइड 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 कंसीलिएट 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 मॉलिफाई 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 अपीज 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 हुआ यार, ऐसे ही होगा बोलोगे तो। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की, हिज कमेंट्स ग्रेट ऑन माय नर्व्स। अब मैं नर्व्स के मीनिंग की बात करूं तो नर्व का एक मीनिंग तो आप जानते हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, हमारे माइंड से, तंत्रिका तंत्र की जो संवेदनशील, जो मैं कह सकता हूँ, मेरे को बायो नहीं आती यार, लेकिन तुम समझ सकते हो कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स होती हैं बायोलॉजी में, मेडिकल में, मेडिकल टर्म्स में इसका यूज़ किया जाता है, जो नर्व्स होती हैं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो हमारी तंत्रिका तंत्र तक संवेदनाएँ पहुँचाती है, हिंदी में बात करूँ उसके लिए आप नर्व्स यूज़ करते हो, एक मीनिंग। तो दूसरा होता है वरिड, चिंतित, नर्वस फीलिंग, नर्वस फीलिंग, वरिड चिंतित, वरिड चिंतित मतलब नर्वस फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो बहुत ही नर्वस हो, चिंता वाली हो, उसके लिए हम नर्व वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए भी हम वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो एक वर्ड हमारा ये हो गया भाई 43, देख लो यार, और कितना पढ़ोगे तुम बे, कितना पढ़ोगे मेरे से, एक वर्ड के मैंने यहाँ पे तुम्हें एक एक मीनिंग अच्छे तरीके से समझा दिया, उसके बाद इसके इतने ज़्यादा सिनोनिम्स हो गए, उसके बाद इतने ज़्यादा एंटोनिम्स, उसके बाद हमने यहाँ से भी एक एक्स्ट्रा वर्ड उठा लिया। तो तुम ये सोचो ना कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा एक मिनट के लिए भी ये फ़र्ज नहीं सोच समझते तुम कि सर क्लास को, वीडियो को शेयर कर देंगे, शेयर लाइक कर देंगे, चैनल को दोस्तों से, फैमिली से, पढ़ने वालों से सब्सक्राइब करवा देंगे। तुम्हें ये चीज़ कभी नहीं दिखती, मैंने देख लिया यार, तुम्हें मेरे कम वैसे कुछ होते हैं, बढ़ते नहीं हो, मेरे 10-15 दिन से तो एक भी नहीं बढ़ा, चलो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन बट किंतु परंतु मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, पढ़ोगे तो ठीक है, ना पढ़ोगे तो मेरा कुछ नहीं जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरा कुछ नहीं जाना है। मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा याद हो जाएंगी कि मुझे आगे टेंशन नहीं रहेगी, और तुम इतने भुलक्कड़ हो जाओगे तुम्हें वैसे ही कुछ याद नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे 10-15 बार रिपीट करता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे तो याद होता ही है, खैर उससे पहले 10-15 बार मैं पहले खुद के लिए भी रिपीट कर लेता हूँ इनको भाई, और क्या बताऊँ मैं तुम्हें। सो प्लीज़ इनको याद किया करो, इनको अपने डेली लाइफ में यूज़ किया करो, जब डेली लाइफ में यूज़ करोगे, याद करोगे, साथ साथ बोलोगे, अपना एक फ़र्ज समझकर, अपना एक स्टूडेंट का फ़र्ज समझकर वीडियो को लाइक किया करो, देखा करो, शेयर किया करो यार, कमेंट्स में बताया करो, एक सिंगल कमेंट नहीं आता किसी का, क्या बताएं। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, आज का स्टूडेंट्स ज्ञानी ज़्यादा है ना कुछ, उसको अगर फ्री में कुछ मिल रहा होता ना तो वो लेता नहीं है। अगर यही क्लास अभी 2000 रुपये की बैच में होती ना, चाहे ऑनलाइन होता चाहे ऑफलाइन, भाई साहब यहाँ पे लाइन लग जाती,
हर कोई वाक्य खरीदता कि हाँ पैसे में कुछ तो अच्छा करवा रहे हूँ, यहाँ पे फ्री में अच्छा करवा रहे हैं भाई। सेम ही मैं अपने ऑफलाइन बैचेज में करवाता हूँ, सेम ही पेड बैचेज में होता है और सेम ही यहाँ होती है, बस वो गए फ्री है, बस फर्क इतना है, समझ गए। तो एक बार वर्ड को रिपीट कर लेंगे, वर्ड है हमारा ग्रेट, क्या है ग्रेट, और मीनिंग की बात करूँ टू मेक एन अनप्लीजेंट रेस्पिंग साउंड, टू रब फूड, टू कट इन टू स्मॉल पीसेस, टू कॉज इरिटेशन, द मेटल फ्रेम दैट होल्ड्स द वुड कोल एटसेट्रा इन ए फायर प्लेस। ये पांच मीनिंग इसके हमने निकाले थे। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन होती है। सिनोनिम्स ग्राइंड, ग्राइंड, क्रश, क्रश, पल्वराइज, पल्वराइज, स्क्रैप, स्क्रैप, रब, रब, प्रोवोक, प्रोवोक, स्क्रैच, स्क्रैच, एग्रेवेट, एग्रेवेट, पिक, पिक, वैक्स, वैक्स, स्पाइट, स्पाइट, इरिटेट, इरिटेट, आक, आक, एनॉय, एनॉय। एंटोनिम्स पैसिफाई, पैसिफाई, ग्लाइड, ग्लाइड, स्लाइड, स्लाइड, कंसीलिएट, कंसीलिएट, मॉलिफाई, मॉलिफाई, अपीज, अपीज, और नाव, नाव, नाउ। इसका मीनिंग में मैंने आपको बता दिया, कर दो इसको जल्दी से कॉपी। वर्ड नंबर कौन सा है भाई, वर्ड नंबर 44 है कंपिलेशन, क्या है कंपिलेशन, जो एज ए नाउन तो हम इसको यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंपाइलिंग समथिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी थिंग्स, मतलब चीजों का संग्रहण करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, चीजों को कंपाइल करना, एक्यूमुलेशन करना, चीज़ों को एक्यूमुलेशन करना, इसके लिए हम मीनिंग को कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना और उनको इकट्ठा करना, संग्रह करना, संग्रहण करना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, कंपिलेशन, 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 क्या हो गया कंपिलेशन, कंपिलेशन, कंपिलेशन। सिनोनिम्स सेलेक्शन, 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 कलेक्शन, 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 एंथोलॉजी, 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 कॉर्प्स, 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 कलेक्टेनिया, 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 कंपेंडियम, 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 फ्लोरिलिजियम, 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 कंपिलेशन, 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 सेलेक्शन, 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 कलेक्शन, 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 कलेक्शन,
कलेक्शन कलेक्शन, एंथोलॉजी 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 एंथोलॉजी, कॉरप्स 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 कॉर्पस कॉरप्स, कलेक्टेनिया 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 कलेक्टेनिया, फ्लोरिलिजियम 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 फ्लोरिलिजियम, कंपेंडियम 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 कंपेंडियम, एंटोनिम्स डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, स्प्रेड 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 स्प्रेड, डिस्पर्सल 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 डिस्पर्सल, एफ्यूजन 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 एफ्यूजन, स्प्लिट 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 स्प्लिट, डायस्परा 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 डायस्परा, डिसेमिनेशन 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 डिसेमिनेशन, डिमार्केशन 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 डिमार्केशन, रिपीट करो तुम ही बोलो पांच पांच बार, गुड बोला है ना सभी ने कि नहीं बोला, कि बोलोगे तो ठीक है नहीं तो याद कैसे होगा। एग्जाम्पल, माय टीम वाज इन्वॉल्व्ड, मेरी टीम इन्वॉल्व थी भाई किसमें, इन द कंपाइलेशन ऑफ द बुक, बुक का संग्रहण करने में, बुक्स को इकट्ठा करने में, बुक्स का जो कंटेंट था उसको जोड़ने में, ठीक है जी। तो वर्ड रिपीट कर देते हैं, कंपाइलेशन क्या है, कंपाइलेशन कंपाइलेशन पार्ट ऑफ स्पीच Noun meaning the act of compiling something, an accumulation of many things. Synonyms, selection selection selection, collection collection collection, anthology anthology anthology, corpus corpus corpus, collectania collectania collectania, compendium compendium compendium, florilegium फ्लोरिलिजियम फ्लोरिलिजियम, एंटोनिम्स डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन, स्प्रेड 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 स्प्रेड, डिस्पर्सल 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 डिस्पर्सल,
एफ्यूजन 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 स्प्लिट 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 डायस्परा 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 डिसेमिनेशन 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 डिमार्केशन 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 डिमार्केशन। हाँ जी करो इसको कॉपी कॉपी जल्दी से नोट कर दो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी वर्ड नंबर 60 यानी 60 है हमारा क्यूरुलस क्यूरुलस क्यूरुलस। एक मिनट यार, क्यूरुलस 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 जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जो कैसे यूज करोगे आप, जो आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो, जो आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो, मीनिंग होता है ऑफन कंप्लेनिंग इन ए वीक हाई वॉइस वीक हाई वॉइस। एक ऐसा पर्सन होता है जो कंप्लेन करता रहता है लगभग मतलब बार बार कंप्लेन करता रहता है, लेकिन किस तरह से करता है, एक उसकी कमज़ोर आवाज़ होती है लेकिन वो हाई होती है, मतलब एक विलाप करने वाला बंदा कह सकता हूँ कि उसके अंदर वैसे तो वो उस कुछ करने के योग्य ना हो कि कंप्लेन करने के अलावा वो कुछ कर ना सके। जैसे ओल्ड एज होते हैं पर्सन, वो कंप्लेन कर सकते हैं किसी लफंडरे या किसी इंसान के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता है वो इंसान, लेकिन कुछ और नहीं कर सकता। तो वो रोते हुए विलाप करते हुए जो कंप्लेन करेगा वो आवाज़ उसकी तो वैसे तो वीक होगी, लेकिन अपनी वीक आवाज़ को भी वो ऊंचा करके ऊंचा बोल बोल के जो कंप्लेन करने की कोशिश करेगा ना, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं क्यूरुलस 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 क्यूरुलस। सिनोनिम्स की बात करूँ, पेट्यूलेंट 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 पैटिश 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 पैटिश। कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग। ग्रम्पी 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 ग्रम्पी। प्रिकली 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 प्रिकली। डिसप्लीज्ड 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 displeased displeased। crabby 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 crabby। restive 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 restive। रिपीट करेंगे, displeased 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 displeased। crabby 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 crabby। restive 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 restive। prickly 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 prickly। grumpy 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 grumpy। complaining 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 complaining। pettish 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 pettish। petulant 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 petulant। curious curious
क्यूरुलस 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 क्यूरुलस। एंटोनिम्स जीनियल 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 जीनियल। एफेबल 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 एफेबल। एमिएबल 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 एमिएबल। ग्रेसियस 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 ग्रेसियस। स्टोइक 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 स्टोइक। टॉलरेंट 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 टॉलरेंट। फोरबियरिंग 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 फोरबियरिंग। जीनियल 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 जीनियल। एफेबल बोलो इसको 5 बार। बोल दिया। एमिएबल 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 एमिएबल। ग्रेसियस 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 ग्रेसियस। स्टोइक 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 स्टोइक। फोरबियरिंग forbearing 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 forbearing। tolerant 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 tolerant। iska example he became increasingly dissatisfied and querulous in his old age। bhi wo aisa ho gaya tha apni old age mein is tarah ki vilap karne wala shikayatein karne wala। word ko repeat querulous querulous क्यूरुलस क्यूरुलस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीनिंग ऑफन कंप्लेनिंग इन ए वीक हाई वॉइस। सिनोनिम्स पेटुलेंट पेटुलेंट पेटुलेंट। पैटिश पैटिश पैटिश। कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। ग्रम्पी ग्रम्पी ग्रम्पी। प्रिकली प्रिकली प्रिकली। रेस्टिव रेस्टिव रेस्टिव। क्रैबी क्रैबी। डिसप्लीज्ड डिसप्लीज्ड डिसप्लीज्ड। एंटोनिम्स जेनियल जेनियल जेनियल। एफेबल 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 एफेबल। एमिएबल 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 एमिएबल। ग्रेसियस 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 ग्रेसियस। स्टोइक 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 स्टोइक। टॉलरेंट 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 टॉलरेंट। फोरबियरिंग 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 फोरबियरिंग। हाँ जी वर्ड नंबर 76 है वाइब्रेंट। क्या है वाइब्रेंट? जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 76 है मेरे भाई वाइब्रेंट। क्या है वाइब्रेंट 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 वाइब्रेंट। मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ फुल ऑफ एंथुसियाज्म। एक ऐसा पर्सन जो जिंदा दिल हो जिसके अंदर खूब एनर्जी हो
काइनेटिक हो, कहने का मतलब उस इंसान के अंदर ना एक इच्छा होती है कि हाँ हिम्मत वाला हो, जिंदा दिल हो मैं कह सकता हूँ, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं इन एक वाइब्रेंट, क्या करते हैं वाइब्रेंट या जीवंत, यानी जीवन को अच्छे मज़े से जीने वाला बड़ी हिम्मत वाला पर्सन होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं वाइब्रेंट। किसके लिए? एक ऐसा पर्सन जो फुल ऑफ एनर्जी हो, लाइफ हो, जिंदा दिल हो, जिंदगी जीने की बड़ी इच्छा, मज़े से ज़िंदगी जीता हो, अपने लाइफ में स्ट्रगल करता हो, स्ट्रगल कर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ता हो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म से भरा हुआ हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वाइब्रेंट। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला आ गया एनर्जेटिक, 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 स्प्रिटिड, 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 ट्रेम्बलिंग, 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 अबोयल, अबोयल अलग अलग है, अबोयल, 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 अबबल, 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 शिवरिंग, 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 फ्लोरिशिंग, 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 पपुलियस, 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 थ्राइविंग, 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 काइनेटिक, 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 वाइब्रेंट, 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 एनर्जेटिक, 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 स्प्रिटिड, 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 ट्रेम्बलिंग, 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 अबोयल, 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 अबबल, 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 शिवरिंग, 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 काइनेटिक, 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 थ्राइविंग, 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 पॉपुलस, 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 फ्लोरिशिंग, 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 एंटोनिम्स, एस्लीप, 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 इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव,
इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव, स्लीपी, 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 म्यूटेड, 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 मर्मर, 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 यानी मरा मरा सा रहने वाला, तुम ये वर्ड यूज कर सकते हो ना निमोनिक, मरा मरा सा रहने वाला, मर्मर, 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 फैंट, 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 अब तुम ऐसा कर लो जिसको फेंटा जा सके, जिसको फेंटा जा सके, फैंट, 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 डेड, 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 ये तो तुम्हें पता ही है, डेड इजी वर्ड है, तो रिपीट करेंगे, एस्लीप, 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 इनएक्टिव, 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 स्लीपी, 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 म्यूटेड, 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 मर्मर, 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 फैंट, 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 डेड, 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 हाँ जी, अब कर लेते हैं इसका एग्जांपल क्या हो गया, ही वॉज ए वाइब्रेंट यंग मैन बिफोर ही वेंट टू कोमा, भी वो कोमा में जाने से पहले एक वाइब्रेंट यंग मैन था, मतलब एक जिंदा दिल इंसान था, बहुत ही जीवंत था, बहुत ही हिम्मत वाला था, समझ गए, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, वर्ड हमारा वाइब्रेंट, 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 पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी, एडजेक्टिव मीनिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ फुल ऑफ एंथुसियाज्म, सिनोनिम्स एनर्जेटिक, 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 स्पिरिटेड, 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 ट्रेम्बलिंग, 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 आ बॉयल, आ बॉयल, आ बॉयल, आ बबल, आ बबल, आ बबल, आ बबल, शिवरिंग, 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 फ्लोरिशिंग, 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 पॉपुलस, 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 थ्राइविंग, 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 काइनेटिक, 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 एंटोनिम्स, एस्लीप, 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 इनएक्टिव, 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 स्लीपी, 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 म्यूटेड, 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 उसके बाद है मर्मर, 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 फैंट, 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 डेड, 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 हाँ जी, हमारी वो केब क्लास नंबर 28 क्या होगी, कंप्लीट हो गई जी, और आज हमने किए हैं 93 वर्ड्स, कितने कर लिए, 93 वर्ड्स किए हैं, जिनको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा है, बड़े सलीके से समझा है, एग्जांपल्स के साथ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ, जो भी चीज़ें होती है अच्छे तरीके से मीनिंग निकाल के हमने चीज़ों को समझा है, तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर फॉलो करें, आप अगर जीके पढ़ना चाहते हैं, मेरे से कह रहा हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको अपना यूज़र नेम लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, याद रखिएगा ज़रा,
ये मेरा बड़ा प्यारा यूज़र नेम है 4GK, ठीक है जी। और आप मेरे को वोकैब के लिए या इंग्लिश की किसी भी चीज़ के लिए फॉलो करना चाहते हैं, मोटिवेशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, वोकैब या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल पेज बनवाया गया है, वो है जी हाँ जी। और आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट क्या है मेरा यहाँ लिख देता हूँ, FB है मेरा जी हाँ, ये मेरी FB ID है। व्हाट्सएप आपको पता ही है, आप कभी भी किसी भी क्वेरी के लिए कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप करना है कहीं आप कॉल पे रखा हो या मेरे को व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको क्या जानकारी दूँ, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं देनी क्योंकि आज की क्लास पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो देखते हैं भाई, कल अगर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की क्लास हुई तो अपलोड कर दी जाएगी, बाकी अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि कल मेरे को काम है। अगर मेरा काम जल्दी निपट गया तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा, संडे को आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, GS का एक टॉपिक होगा, कुछ भी हो सकता है, अभी मैं देख रहा हूँ क्या करवाऊँ, लेकिन करवाना बड़े अच्छे तरीके से है। और टॉपिक क्या होगा, टॉपिक बायलिंगुअल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उस टॉपिक के लिए भी तैयार रहेगा, हो सकता है मैं वोल्केनिज्म कराऊँ, हो सकता है मैं अर्थक्वेक कराऊँ, हो सकता है मैं सुनामी करूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ भाई, या फिर कोई कॉन्टिनेंट भी करवा सकता हूँ जैसे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी। सो प्लीज़ तैयार रहिएगा। सो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की क्लास में, नहीं तो परसों, नहीं तो मंडे को तो हमारी मुलाकात होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।